मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको प्यार से अभिवादन मैं करता हूँ। क्या आनंद के साथ रहते हैं? जहाँ आनंद है दुख में ही रहते हैं, ऐसे आप प्रतिदिन कहते हैं ना। लेकिन सभी बातों में परमेश्वर में आनंदित रहना चाहिए। नहीमिया 8:10 में परमेश्वर कहता है, यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। वचन में लिखा है परमेश्वर में आप आनंदित रहना है। लेकिन शैतान आपको दुख में डुबाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर का आनंद आपके साथ रहने के चलते आप कहना है, शैतान तू दूर हो जाओ। बहुत लोग इस आनंद को दुनिया की जो अभिलाषा में बहुत लोग ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं, इसलिए वे ऐसे ही करते हैं। लेकिन परमेश्वर की सृष्टि को आप देखिएगा, यहाँ पर देखिए हाथी की मूर्त के रूप में यहाँ पर बना के रखे हैं। इस देश में बहुत हाथियों को जंगल में आप जो है आमने सामने उसको देख सकते हैं। छोटी हाथी है और बड़ी बड़ी हाथियाँ हैं, झुंड के झुंड वहाँ निकल कर आते हैं। उसको देखने के वक्त जो है बहुत मन में आनंद होती है। परमेश्वर की सृष्टि के द्वारा लोगों को आनंद मिलती है। क्या आपके जीवन में कभी आप इस प्रकार परमेश्वर की सृष्टि उसकी प्राकृति को देख के आनंद मनाए हैं? मैं जब भी कभी बाहर निकलते हैं, मैं कहता हूँ मुझे यहाँ पर ले जाइए, मुझे सब जगह घूमना है, देखना है। उसके द्वारा परमेश्वर की सृष्टि को देख के मेरे मन में आनंद आती, प्रभु को मैं महिमा करता हूँ। परमेश्वर में हमेशा आप आनंदित रहना है। परमेश्वर ने इस जगत को, इस सृष्टि को मेरे लिए बनाया है, ऐसे आनंदित रहिए। तो परमेश्वर में आनंदित रहने से शैतान आपसे दूर भागेगा। इसलिए मैं प्रार्थना में कहता हूँ, परमेश्वर में मैं हमेशा आनंदित रहता हूँ। मेरे विरोध में, मेरे खिलाफ में कितने लोग जो है काम करने से, मेरे विरोध लिखने से भी, मैं कहता हूँ ये शैतान मेरे आनंद को तू छीन नहीं सकता है, ऐसे कहने से शैतान दूर भागता है। तब आप जरूर कहना है, हे प्रभु तू मेरे साथ रहता है, मुझको हिम्मत देता है, तुझ में आनंद रहना ही मेरे लिए प्रभु बल है। ऐसे कहने से प्रभु आपको आनंद देगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन।